गाइस, दिस इज सीए कोमल जैगी। मैं वेलकम करता हूं आपका मिशन 60 में। जिस तरह मिशन 60 को आप लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं, थैंक यू सो मच। बहुत जल्द ऐसा लगता है कि मिशन 60 एक ब्रांड बन जाएगा। आज आप सभी को नोटिफिकेशन तो मिल ही गया होगा, हमारे सीए इंस्टीट्यूट ने एग्जाम्स पोस्टपोन कर दिए हैं। अब एग्जाम कब से होंगे, सीए फाइनल की मैं बात कर रहा हूँ। एग्जाम जो स्टार्ट होंगे 29 जुलाई से होंगे, या कह सकते हैं अगस्त के फर्स्ट वीक से ही होंगे। जैसे ये नोटिफिकेशन आया, वैसे काफ़ी स्टूडेंट्स का मैसेज आया कि यार क्या करें क्या ना करें। उसमें से काफ़ी क्वेश्चंस जो थे, मैं आप कॉमन क्वेश्चंस थे, उन कॉमन क्वेश्चंस के मैं यहाँ पे आपके सामने स्क्रीन पे आंसर करूँगा, और ये आंसर्स आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकते हैं। स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, पहला क्वेश्चन था, सर वी वांट टू टेक ब्रेक फॉर 10 डेज, कैन वी टेक द ब्रेक। देखो बच्चों, सीधी सी बात है, 10 दिन का ब्रेक कोई छोटा मोटा पीरियड तो होता नहीं। मैं कहता हूँ ब्रेक आप लो, 2 दिन का ले लो, ज़्यादा से ज़्यादा 3 दिन का ले लो। लेकिन 10 दिन का ब्रेक अगर आप लेंगे, तो जब आप 11वें दिन से अपने आप को स्टार्ट करेंगे पढ़ाई के लिए, तो हो सकता है आपको काफ़ी प्रॉब्लम्स आए। जो पढ़ाई का फ्लो आपका रूटीन बना हुआ था, वो उस जैसा नहीं रहेगा, फिर से आपको 10 दिन लग जाएंगे फ्लो बनाने में। मैं आपके साथ बिल्कुल नहीं चाहता कि वो सिचुएशन आपके साथ आए। तो सर ऑल्टरनेटिव बताइए। इसका एक ऑल्टरनेटिव है, जहाँ पर आप 10 से 15 घंटे पढ़ रहे थे, आप अपने जो स्टडी आवर्स हैं उसको 15 घंटे से कम करके आप 6-7 घंटे पे ला सकते हैं। 6-7 घंटे पढ़िए, कोशिश कीजिए एक दिन में, अगर आप एक ग्रुप के लिए जा रहे हैं तो चारों सब्जेक्ट आप अच्छे से कर पाए, और अगर आप बहुत ग्रुप के लिए जा रहे हैं तो आपके पास शायद ये घंटे भी, आप स्टडी आवर्स भी आप रिड्यूस करने का आपके पास टाइम नहीं होगा, क्योंकि बहुत ग्रुप में अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो तो आपको कितना ही टाइम मिल जाए वो भी कम है, राइट? क्वेश्चन नंबर 2 आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, कैन वी गो फॉर बोथ ग्रुप्स नाउ, क्या हम बोथ ग्रुप्स के लिए जा सकते हैं? आंसर इज यस, आप बिल्कुल जा सकते हैं बोथ ग्रुप के लिए। लेकिन इसमें 2 सिचुएशन है, कुछ बच्चों तो बच्चे होते हैं जो पहले से 2 ग्रुप भर के चलते हैं लेकिन प्रिपरेशन एक ही करते हैं। देखो भाई, जिन्होंने एक की प्रिपरेशन करी थी और 2 ग्रुप भरे थे, तो वो सीधा सीधा क्या है, दूसरे ग्रुप को भी करना स्टार्ट कर दें। अगर बहुत अच्छा फर्स्ट ग्रुप हो गया है आपका, तो सेकेंड ग्रुप आप पूरा का पूरा तैयार करने की कोशिश करें, क्योंकि एग्ज़ाम अभी लग रहा है कि 29 जुलाई से है, लेकिन हो सकता है 1-2 वीक के लिए फिर से एक्सटेंशन हो जाए, नोबडी श्योर, राइट? तो इस केस में आप जा सकते हैं बोथ ग्रुप के लिए, लेकिन उन बच्चों का क्या जिन्होंने एक ही ग्रुप भरा था? देख भाई, ICAI अपनी करेक्शन विंडो ओपन करता है नहीं करता है ये तो मेरे को पता नहीं, लेकिन जो सिचुएशन आ रही है उस सिचुएशन के अकॉर्डिंगली ICAI इस तरह ऑप्शन दे सकता है कि आपने अगर एक ग्रुप भरा है, फिल किया है, आप उसको 2 ग्रुप में कन्वर्ट कर सकते हैं, और अगर आप किसी और तरह का करेक्शन चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। ये इनिशिएटिव ले सकता है ICAI, बहुत जल्दी लेगा, राइट? तीसरा क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, कैन वी बाय पेन ड्राइव क्लासेस फॉर पेंडिंग सब्जेक्ट? ऑफ कोर्स डिपेंड है, ये तो स्टूडेंट्स के ऊपर डिपेंड है कि उसको पेन ड्राइव लेना है या फेस टू फेस ऑनलाइन क्लासेस लेना है। देखो, पेन ड्राइव का ना जनरली अगर 100 बच्चे पढ़ रहे हैं तो 100 बच्चे में से 90 बच्चे को पेन ड्राइव क्लासेस में ना थोड़ा सा कॉन्फिडेंस नहीं आता। रीज़न क्या है, उनका डिस्कशन नहीं हो पाता। अगर आप पेन ड्राइव क्लासेस ले रहे हैं तो आप क्या काम करना, जूम पे स्क्रीन शेयर वगैरह करके 2-3 दोस्त मिलके उस पेन ड्राइव क्लासेस को देखना, ताकि आपका डिस्कशन भी साथ साथ बना रहे। दूसरा आप क्या काम कर सकते हैं, अगर आपको ऑनलाइन या फिर किसी टीचर की लाइव क्लासेस मिल जाती है, जैसे कि हम मिशन 60 में भी अपना लाइव क्लासेस दे रहे हैं, हमारा बिल्कुल भी पेन ड्राइव हमने रेडी नहीं किया हुआ, पूरा का पूरा फोकस है बच्चों को वहीं पे 1.5-2 घंटे जो हम डेली का सेशन रखते हैं मिशन 60 का, उसमें प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी कराते हैं, प्रैक्टिकल केस लो भी बताते हैं, और उनका टेस्ट भी साथ ही साथ लेते रहते हैं, तो उससे क्या इंटरेस्ट बना रहता है, डिस्कशन करने में मज़ा आता है। मैं चाहता हूँ वही डिस्कशन आपका बना रहे पेन ड्राइव क्लासेस से, जो कि पूरा नहीं हो पा
पाता, बाकी ये स्टूडेंट के ऊपर ओपिनियन है स्टूडेंट का, जैसा उसको करना है, जैसा उसको सुटेबल है। अगर उसको आदत है पेन ड्राइव से काम करने की, पेन ड्राइव से सुनने की, तो पेन ड्राइव के लिए कर सकता है। और मैं तो अभी आपको बताऊँ एक सीक्रेट, आजकल यूट्यूब पर इतना अच्छा डेटा अवेलेबल है कि आपको पेन ड्राइव लेने की जरूरत नहीं है। आप गूगल से और यूट्यूब से जितना भी डेटा है उसको सुनिए, उसको एक्सेस कीजिए और अपने नोट्स तैयार कीजिए। यू हैव सफिशियंट टाइम, राइट? अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे है, वेदर आईसीआई विल ओपन करेक्शन विंडो फॉर चूजिंग ग्रुप, विल फॉर चूजिंग ग्रुप्स, कि हमें ग्रुप्स में चेंजेस करना है, इस तरह का करेक्शन विंडो खोलेगा या नहीं खोलेगा। देखो गाइज, मेरे को भी नहीं पता कि करेक्शन विंडो खोलेगा नहीं खोलेगा, लेकिन जो चांसेस है मैं पहले ही बता चुका हूँ, काफ़ी फेवरेबल हैं। ड्यू टू जो डिले हो रहा है कोरोना की वजह से अटैम्प्ट, तो काफ़ी बच्चे जो मई के लिए तैयार थे, अब उनके एग्ज़ाम अगस्त में होंगे, यानी उनका यार 2-3 महीने जो वो अपने दूसरे ग्रुप के लिए पढ़ना चाहते थे, अब फर्स्ट ग्रुप पे शिफ्ट हो गया, तो यानी उनको अपनी तैयारी प्रिपरेशन एक्सटेंड करनी होगी। और सीधे सीधे बात है, आईसीआई इस चीज़ का बेनिफिट आपको पक्का पक्का देगा, राइट? अगला क्वेश्चन, हाउ मिशन 60 कैन हेल्प अस। देखो मिशन 60 सीए फाइनल डायरेक्ट टैक्स का एक मैंने छोटा सा इनिशिएटिव लिया है। मिशन 60 के अंतर्गत तकरीबन 25 से 30 टॉपिक्स ऑफ सीए फाइनल डायरेक्ट टैक्स मैंने आपको 7 डेज में कराने हैं। 7 डेज में 3-4 घंटा मैक्सिमम आपकी क्लास रहेगी। क्लास में हम पूरा का पूरा पीपीटी से, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन से पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे। उसके बाद उसके जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, वी विल ट्राई टू मेक ईच, मतलब वन क्वेश्चन विद वन सेक्शन, एक सेक्शन के ऊपर एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन तो जरूर हम डिस्कस करेंगे मिशन 60 के अकॉर्डिंग, राइट? इसके अलावा क्या है, इसके अलावा क्या है, मिशन 60 का बैकअप का भी मैं अरेंजमेंट कर रहा हूं। जैसे अभी मान लो किसी ने कोर्स ले लिया तो उसका बैकअप भी, एग्जाम से पहले कुछ हल्का सा बैकअप देखने के लिए, उसके लिए भी हम बैकअप प्लान कर रहे हैं। लेकिन फिलहाल क्या है, हमारे 10 बच्चों का बैच है और 10 स्टूडेंट्स एक साथ ज्वाइन कर सकते हैं, 10 से ऊपर नहीं है, ताकि डिस्कशन अच्छा हो पाए। तो ये वीकली बैच चलता है हमारा। तो मिशन 60 आपको जो 40-42 मार्क्स सभी के डायरेक्ट टेक्स्ट में आते थे, उसको 40-42 से हमारा टारगेट है कि 60 में कन्वर्ट करना, तभी इसका नाम दिया हुआ है मिशन 60 प्लस, राइट? एक डाउट और है कि आईसीआई एग्जाम लेवल विल इंक्रीज। देखो ये एक मिथ है, ICI एग्जाम लेवल विल इंक्रीज। पहले मेरे को ये बता दो, ऐसा कब हुआ है कि ICI का एग्जाम लेवल डिक्रीज रहा हो? भाई साहब, 4 पेपर एक ग्रुप की बात करते हैं, 4 पेपर होते हैं, 2 पेपर होते हैं जो इजी आ जाते हैं या मॉडरेट लेवल के आते हैं, लेकिन 2 पेपर हमेशा ऐसा देखा जाता है एक स्टैंडर्ड लेवल के रहे हैं। सो ये मिथ मत पालना कि ICI लेवल विल इंक्रीज, जो लेवल है वही रहेगा, हो सकता है लेवल डिक्रीज हो जाए। काफ़ी स्टूडेंट्स को ये लग रहा होगा कि लेवल इंक्रीज होगा, लेकिन ICI क्या करेगा, लेवल डिक्रीज कर देगा। और जब आसान क्वेश्चन देता है, जिन स्टूडेंट्स का अच्छा प्रैक्टिस नहीं है वो आसान क्वेश्चन को गलत कर देते हैं और इससे उनके मार्क्स आते आते लूज हो जाते हैं। तो यहाँ पर हमें माइंड गेम खेलना है। हाँ, एक सबसे क्वेश्चन नंबर 8 बहुत बढ़िया, कहते हैं रिजल्ट विल कम ऑन 1 नवंबर 2020। कह रहे हैं जो जुलाई 29 से जो एग्जाम होंगे, कि सर उनका रिजल्ट तो 1 नवंबर में आएगा, तो नवंबर का क्या अटेम्प्ट का क्या होगा? देखो ऐसा नहीं है, ICI बहुत फास्टली रैपिडली इनिशिएटिव ले रहा है स्टूडेंट्स के प्रति, ICI कोर्स को बेहतर बना रहा है। और आपने देखा ही होगा हमारे प्रेसिडेंट ने और एग्जामिनेशन कमेटी ने कुछ नोटिफिकेशन जारी किए होते जिसमें वो प्लान कर रहे हैं कि रिजल्ट विद इन 15 डेज आए। यस, और ये बिल्कुल पॉसिबल होगा। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि जो अगर 29th ऑफ जुलाई से एग्जाम स्टार्ट होते हैं उनका रिजल्ट नवंबर में जाके आएगा, नहीं नहीं नहीं, हो सकता है जुलाई के मंथ 31 जुलाई तक ही आ जाए, ठीक है ना? तो इसके लिए आपको प्रिपेयर रहना है। सो गाइस, ये हमारा एक छोटा सा वीडियो था, कुछ क्वेश्चंस थे आपके, जो कॉमन क्वेश्चंस थे वो मैंने आपके साथ डिस्कस किए। मैं आपके साथ हूँ CA कोमल त्यागी, CA फाइनल डायरेक्ट टैक्स फैकल्टी मिशन 60 में। कोई भी CA फाइनल डायरेक्ट टैक्स से रिलेटेड अगर क्वेरीज है आपकी, तो प्लीज़ फील फ्री टू आस्क मी। और इसके अलावा कुछ और किसी भी तरह की मैं हेल्प कर पाऊँ आपकी, तो मेरा ये सौभाग्य होगा। थैंक यू वेरी मच।